नमस्कार दोस्तों, अवजार नाव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर घर के अंदर एक घरघंटी होती है, मतलब फ्लोर मिल होती है। इसको फ्लोर मिल बोला जाता है क्योंकि क्या है, बहुत से आदमी ऊपर के मंजिल में रहते हैं और आटा पीसने को चक्की में जाना पड़ता है और इतना लंबा जाने के बाद लेके आना जाना भारी पड़ जाता है। इसलिए एक फ्लोर मिल है ये घरघंटी। इसको देखो दोस्तों, ये बार बार कभी कभी ख़राब होती है। तो ये क्यों ख़राब होती है और इसका कारण क्या है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो क्या है, ये घरघंटी रहती है, इसको ऐसा एक दरवाज़ा है, ये डोर है, इसके अंदर ये जाली रहती है। इसमें अपने को जो चाहिए, जितना थिकनेस का ये चाहिए, जैसा ये ज़्यादा है होल, बड़े है, आटा जैसा मांगता है वो हिसाब से जाली आती है। तो ये जाली ऐसी डाली जाती है। अच्छा, जाली डालने के टाइम क्या करते हैं दोस्तों, ये खाँचे के अंदर ध्यान से रहे, ये खाँचे के अंदर ही जाली जाना चाहिए। अगर कभी कभी घाई घाई में क्या होता है, ये जाली ऐसी तिरछी बढ़ जाती है और आप घरघंटी चालू करेंगे तो उसके बाद ये जाली फंस जाती है और अपनी घरघंटी ख़राब हो सकती है। इसलिए जाली ऐसी डालनी चाहिए। कि दोस्तों, ये घरघंटी में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि जो अनाज रहता है वो थोड़ा गीला रहता है बारिश के टाइम में। वो उससे क्या होता है कि उसकी भाप बनती है गीलेपन से। घरघंटी गर्म होती है, गर्म होने से क्या होता है, भाप बनती है। और भाप बनने से क्या है, इधर एक छोटा सा पार्ट है ऊपर, वो पार्ट हमेशा ख़राब होता है। वो पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रिप्लेस किया जाता है। अगर आप वो पार्ट लेने को जाओगे बाज़ार में, घरघंटी रिपेयरिंग को जाओगे, तो आपसे नक्की ज़्यादा पैसा मांगेगा। और घर में कैसा वो पार्ट रिपेयर करने का, मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं ऊपर से ये घरघंटी को खोलता हूँ। पहले ये देखिए, ऐसे तीन चार नट है, स्क्रू है, ये स्क्रू पहले आपको खोलने हैं। इसका मैं आपको मेंटेनेंस बताता हूँ। ये ज़्यादातर यही समस्या हमेशा आती रहती है। अब देखो दोस्तों, हमने ये ऊपर का पार्ट ओपन कर दिया। ये चार स्क्रू थे, छोटे छोटे स्क्रू लगे हैं, ये हमने निकाल दिए। और अभी हम ये ऊपर का पार्ट ये ऐसा ऊपर ले रहे हैं। तो देखो, इसको ये नाब लगा रहते हैं, ये देखो ये लगा है, देखो ये लगा है। अब क्या करने का दोस्तों, कि ये ऐसा खींचने का, देखो ये नाब लगा है तो इसको ऐसा फंसाया रहता है। ये देखो, अभी ये मैंने ये निकाला, यहाँ से निकाला, और मैंने निकालने के बाद यहाँ से भी मैं इसको ऐसा निकालूंगा। देखो ऐसे इसको खाँचा दिया गया था, ये खाँचे में ये यहाँ बैठा रहता है। अभी ये मैंने सप्लाई का ये वायर इधर बंद कर दिया, मतलब निकाल दिया। और सबसे पहले तो ये घरघंटी बिना सप्लाई से मैंने रखा है। अभी इसका वायर वायर मैंने कुछ लगाया नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखो। पहले सबसे पहले तो ये निकाल के रिमूव करके रखा है, सबसे पहले ये बात पहले ध्यान में रखना। अच्छा, अभी ये मैंने निकाला, अभी मैं ये चार स्क्रू खोलूँगा। देखो दोस्तों, यहाँ एक स्क्रू लगा है, ये अंदर से यहाँ से गया है, ये स्क्रू हमको खोलना है। अब देखो, मैंने ये स्क्रू थोड़ा ढीला कर दिया है, अभी मैं इसको खोल रहा हूँ। और खोलने के बाद ये स्क्रू मैं ऐसा रख रहा हूँ। अच्छा, स्क्रू रखने के बाद इसके ऊपर एक वाशर भी है, ये वाशर भी मैं निकाल रहा हूँ। फिर दोस्तों, मैं स्क्रू ऐसा नीचे ले लिया, अंदर से पकड़ के इसको निकाल दिया, ये स्क्रू निकाल दिया मैंने। अब देखो, ये मेरा पार्ट अलग हो गया, मतलब ये ऊपर का पार्ट है जिसके अंदर हम अनाज डालते हैं, ये अभी मैं बाजू में रख देता हूँ। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होता है मेन, जब घरघंटी चलती है तो ये अंदर का पार्ट है ना, ये ऐसा घूमता है, ये यहाँ से, और इसको ये पतरा लगा एक छोटा, ये पतरा ख़राब हो जाने से ये घरघंटी का क्या होता है, अनाज नीचे भर जाता है। ये पतरे का फंक्शन क्या है कि ये पतरा है, मैं आपको दिखाता है, ऐसा एक ब्लेड के जैसा पतरा देते हैं, ऐसा दबता है ये पतरा। ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ पूरी तरह, क्योंकि आपके समझने में आसानी रहेगी। तो अभी ये मैंने नट खोल दिए, चार स्क्रू खोल दिए इसे। ये चारों स्क्रू खोलने के बाद मैं अभी इसको ऐसा खींचूँगा। ये देखो, ये पार्ट अलग हो गया। अच्छा, ये जो है ना, ये मोटर है ना, ये मोटर लगी है इसके, ये घूमते रहता है। और घूमने के बाद क्या है, इधर एक पतरा रहता है ये लंबा, ये पतरा ऐसा जैसा ही घूमेगा वैसा ऐसा ऐसा होते रहता है। उससे क्या है, थोड़ा थोड़ा ही अनाज नीचे जाता है घरघंटी में। अब ये पतरा ख़राब हो गया,
ये खराब होने से क्या होता है, अनाज जोर से घुस जाता है और गरगंटी जाम हो जाती है, बंद हो जाती है और पीसा नहीं जाता आटा। तो अभी देखो मैं आपको दिखाएगा वो पत्रे के बारे में। ये देखो ये ऐसा पत्रा है, ये कैसा, ये पत्रा ज़्यादातर ये सड़ जाता है, देखो ये सड़ गया। अच्छा अभी आप सोचोगे इतना सा पार्ट है और छोटा सा पार्ट के लिए आप बाज़ार में जाओगे, किसी भी मैकेनिक को बुलाओगे, तो मैकेनिक आपसे कम से कम ये गरगंटी के लिए, रिपेयरिंग के लिए 2,000-3,000 रुपये मांगेगा। अब आपको 2,000-3,000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए ये पत्रा है, और ये पत्रा कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों ये पत्रा है, अब ये पत्रा कौन सा लाओगे आप सोचोगे कि ये क्या पार्ट है, कहाँ से लाए। सिंपल सी बात है, ये देखो ये लांबी भरने का पत्रा है, पुट्टी भरने का, कहीं भी आसानी से मिल जाता है, 5 रुपये में मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा महंगा भी आइटम नहीं है। और ये यही पत्रा है, ये साइज़ का ये पत्रा काट लेने का, हेवी अगर कटर है तो उससे कट जाएगा। तो देखो दोस्तों ये निप्पल है, इसके अंदर ऐसा पिन डाला है, अभी मैंने पिन ही ऐसा टेढ़ा करके ये पिन मैंने ये निकाल दी है पिन। ये पिन में ये पत्रा फंसा रहता है, पिन पत्रे को जाम करने के लिए है। तो मैं आपको पत्रा निकाल के दिखाया है, अभी ये भी पत्रा मैं ऐसे ही निकालूंगा, इधर वाला दोनों बाजू का ये पिन है, अभी ये पिन ही मेरे को पहले निकालनी है। ये देखो ये मैंने पिन ही निकाल दी, ऐसे मैं पिन खींच के निकाल दिया पिन। अब ये सड़ा हुआ गला हुआ पत्रा ऐसा फंसेला है इसके अंदर, देखो। तो सबसे पहले ये पीस बना लीजिए, दो पीस जो मैंने आपको दिखाया इस चीज़ से, ये पत्रे से ऐसे दो पीस बना लीजिए और थोड़ा सा उसको बेंड कर दीजिए। अभी मैं आपको पीस बना के दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे मैंने ये सेटिंग किया है, अभी ये रख दिया है और ये मैं अभी ये पिन दबाऊँगा, ये भी पिन मैंने यहाँ से मैं दबाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये पिन को थोड़ा सा दबा के टाइट कर दूँगा ऐसा, और ये भी पिन को मैं थोड़ा सा पुश कर दूँगा, लेवल में आना मांगता है। अच्छा इधर का भी पिन मेरा है, अभी मैं इसको लेवल में, ये लेवल में मेरा पिन आ गया। अब देखो मेन क्या है, अभी ये चक्री थी, देखो इसका फंक्शन क्या होता है। जैसा आटा आता है ये अपना, ये ऊपर से अनाज डालते हैं, ये पट्टी है ना, ये पट्टी ऐसी अनाज से ऐसी 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 दबती है, समझे ऐसी। देखो ये टच हो गई, इधर इधर गैप है क्या, अभी नहीं है। जब अनाज जाएगा ये चक्री घूमेगी तो थोड़ा थोड़ा अनाज अंदर जाते रहेगा, लेकिन पट्टी नहीं रहेगी तो ज़ोर से जाएगा गरगंटी, अपना फ्लोर मिल जाम हो जाएगा। तो फ्लोर मिल जाम इसके वजह से भी ये बराबर घूमते रहेगा ऐसा बराबर अंदर का, और ये सर्कुलेशन बराबर चलते रहेगा। ये देखिए मैंने यहाँ से ये फ्लोर मिल का स्क्रू डाल दिया है, अभी मैं ये वाशर भी डालूँगा और उसके ऊपर ये नट लगाऊँगा। तो दोस्तों ये मैंने नट लगा दिया है, अभी मैं इसको थोड़ा पकड़ से टाइट कर दूँगा थोड़ा सा। मैंने टाइट कर दिया, अभी ये मैंने जो निकाला था ये मुझे दोबारा लगाना है ये पीस। अब मैं क्या करूँगा इसको, ये देखो यहाँ से फंसाया था, ये मैंने यहाँ ऐसा डाल दिया मैंने पहले, ऐसा मैं इसको ये करके इसके अंदर खाचे में फंसा दिया, और इधर भी मैंने खाचे में फंसा दिया। अब ये मेरा हो गया लॉक, लॉक हो गए, ठीक है। लॉक हो गया अभी ये दोनों बाजू से, मतलब ये
निकलेगा नहीं, अभी फिट हो गए है। अभी ये फ्लोर मिल को मैं बंद करूँगा यहाँ से, और इसके ये जो मैंने स्क्रू निकाले हैं इधर एक खाँचा है, ये पार्ट मैंने मेरे को ये खाँचे में लगाना है। ये देखिए ये खाँचा दिख रहा है, अब ये खाँचे में मैं ये बराबर पार्ट लगाऊंगा। ये देखिए अभी देखो ये फ्लोर मिल के हम स्क्रू लगा रहे हैं, ये स्क्रू मैं टाइट कर दूंगा। ये स्क्रू मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ घर के अंदर आना चाहिए, क्योंकि तो कभी भी किसी भी वक्त इंसान को कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मैं फ्लोर मिल मतलब घर घंटी आटे का चक्की, अभी देखो स्क्रू टाइट करने के बाद ये देखिए मैं स्क्रू लगा रहा हूँ। देखिए ये स्क्रू मैं लगा रहा हूँ, अभी एक स्क्रू नहीं भी है वांदा नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को ऐसे ही सहयोग देके अपने चैनल को आगे बढ़ाइए।